हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन भी दबा दो। सब्सक्राइब लाजमी कर दो यार, क्योंकि बहुत नजदीक है हम लोग 100 सब्सक्राइबर्स के। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे GTA Vice City के चीट मेन्यू के बारे में। GTA Vice City का यूं समझ लें कि ये पहला चीट मेन्यू है जो बेस्ट आया है। इससे पहले भी चीट मेन्यू था, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था, लैंग्वेज में मसला था। तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीट मेन्यू है वाइस सिटी के लिए। आज हम लोग बात करेंगे कि हम किस तरीके से इस चीट मेन्यू को अपनी GTA वाइस सिटी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। आज हम ये बात करने वाले हैं। तो गाइस, इस चीट मेन्यू को अपनी गेम के अंदर इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक खूबसूरत सी लिंक दिखाई देगी, आप लोगों ने उस पर टैप कर देना है। टैप करोगे तो आप लोग यहाँ इस वेबसाइट पे आ जाओगे, GTAinsight.com के ऊपर। आपको सिर्फ इसी तरह का मुखड़ा दिख जाएगा चीट मेन्यू का। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से इसको कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड का बटन दिखेगा, आपने डाउनलोड के बटन पे खींच के माउस मारना है। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है, फिर से आपको एक और स्टार्ट डाउनलोड दिखेगा, आपने सेम प्रोसीजर इस पे भी करना है, खींच के मारना है। आप लोग जैसे डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे ना, तो आपका जो फाइल है वो आपसे पूछेगा कहाँ डाउनलोड करना है। आप लोग जहां मर्जी चाहे डाउनलोड कर दो उसको, तो ये हमारा जो चीट मेन्यू है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह अपनी गेम के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से हम इसको फेंक सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, दूसरी साइड पे अपना वाइस सिटी का फोल्डर खोल लेना है, जहां पर आपकी वाइस सिटी जो इंस्टॉल है। मैं अपना GTA वाइस सिटी का फोल्डर यहाँ पर साइड में लगा लेता हूँ। ये मेरा GTA वाइस सिटी का फोल्डर ये रहा, मैं इसको एक साइड पे लगा देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए कोई हमें एसेंशियल पैक की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही वही रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल है। आप लोगों ने क्या करना है, चीट मेन्यू पर राइट क्लिक करना है और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये एक्सट्रैक्ट हुआ एक फोल्डर बन जाएगा और हम इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये हमें किसी काम का नहीं। एक्सट्रैक्ट हमने कर लिया है, दूसरी साइड पे हम लोग एक्सट्रैक्ट किया हुआ फोल्डर खोल लेंगे। क्या करना है, हमें एक फोल्डर दिखेगा GTA Vice City, इसके अंदर चले जाना है। आपको यहाँ पर सारी फाइल्स दिखेंगी, आप लोगों ने क्या करना है, सारी फाइल्स को सिलेक्ट ऑल कर लेना है कुछ इस तरीके से। सेलेक्ट ऑल करने के बाद आप लोगों ने सारी फाइल्स को जो है GTA Vice City के फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इस तरीके से। सारा कुछ मतलब आप लोगों ने खींच के Vice City के मुंह पर मारना है चीट मेन्यू की सारी फाइल्स को। सिंपल, यहाँ से आप लोगों ने पकड़ना है, एम करना है और इधर फेंक देना है इस तरीके से। आपका जो है कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा, जो रिप्लेस करने का कहेगा उसे चुपचाप खामोशी से रिप्लेस कर देना है बिना किसी दिक्कत के। रिप्लेस होने के बाद आपका जो चीट मेन्यू है वो हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट नहीं हुई, आप लोगों ने चीट मेन्यू वाला जो फोल्डर है आप लोगों ने यहीं पर ही मोड लोडर के फोल्डर दिखेगा आप लोगों को, मोड लोडर, आप लोगों ने मोड लोडर के फोल्डर में चले जाना है। आपको यहाँ पर एक फोल्डर दिखेगा चीट मेन्यू नाम का, आप लोगों ने चीट मेन्यू नाम के फोल्डर में चले जाना है। और ये जो फाइल है जितनी भी आपको दिखेंगी ना, इनको भी आप लोगों ने वाइस सिटी में फेंक देना है, खींच के यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है वाइस सिटी के फोल्डर में कुछ इस तरीके से। आप लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ज्यादा अगर आप लोग ग्रेजुएट हो तो आप लोग कॉपी पेस्ट भी कह सकते हो, लेकिन हम लोग फेंकना कहेंगे इस तरीके से कुछ। तो गाइस, हमारी जो इंस्टॉलेशन है, जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है चीट मेन्यू की। और अभी हम लोग चलते हैं अपने गेम प्ले की तरफ, और मैं आपको चीट मेन्यू के फीचर शो करता हूँ, उसका बटन शो करता हूँ, सब कुछ शो करूंगा। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने गेम प्ले की तरफ। तो ऑल राइट गाइस, अभी हम लोग अपने गेम प्ले की तरफ आ चुके हैं और अभी मैं यहाँ से अपने गेम को स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट गेम कर लेता हूँ और मैं यहाँ से अपना गेम जो है यहाँ पर रन कर लूंगा। जैसे हम लोग गेम को रन करते हैं, हमारी वाइस सिटी जो है स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर टॉमी वर्सिटी आ चुका है अपना धुंधला सा मुंह लेकर। और अभी हम लोग यहाँ अपने होटल से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, अपने कीबोर्ड के ऊपर लेफ्ट कंट्रोल प्लस एम प्रेस करना है, स्क्रीन पे आप लोगों को शो हो रहा होगा, आप लोगों ने प्रेस कर देना है इस तरीके से। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है आपका चीट मेन्यू खुल चुका है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा कर लेना है, क्योंकि हमें ताकि सारे ऑप्शन सही तरीके से मिलें। सबसे पहले जो आपको सेक्शन मिलेगा उसके अंदर आपको टेलीपोर्ट्स का सब कुछ दिखेगा। आप लोग सर्च पे आओगे, सारी GTA Vice City की जितनी भी प्लेसेस हैं सारी यहाँ पर आ रही हैं। आप लोग कहीं भी जाओ टेलीपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर अपने 1102 सेफ हाउस पे टेलीपोर्ट कर लिया और यहाँ पर हमें और भी सेफ हाउस देखने को मिलेंगे। प्रॉन आइलैंड में हमने टेलीपोर्ट कर लिया, ये हमारा प्रॉन आइलैंड आ चुका है। आप लोग देख सकते हो ये वही वाला आइलैंड है जहाँ हम लोग पीछा करते हैं उसका।
इसके अलावा हम लोग ओशन व्यू के हॉस्पिटल में आ चुके हैं, लव फिस्ट के स्टूडियो में आ चुके हैं। यहाँ पर ये आपको याद होगा केवल स्टूडियो, हम यहाँ मिशन करते हैं लंबे बालों वाले हिजड़ों के, और यहाँ पर कैन रोजन बर्ड्स के ऑफिस में आ चुके हैं, और वापस से हम लोग चलते हैं ओशन व्यू होटल की तरफ। और ये ओशन व्यू हॉस्पिटल, यहाँ हम लोग आराम से आ चुके हैं, मतलब पहला सेक्शन जो है टेलीपोर्ट का, सब टेलीपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्लेयर्स का, यहाँ पर आप लोग हेल्थ केयर फ्री करवा सकते हो, नेवर वांटेड लेवल लगा सकते हो, और यहाँ पर इनफाइनाइट स्प्रिंट लगा सकते हो जो कि काम का है, गॉड मोड, हेल्थ जनरेशन, बुलेट प्रूफ, फायर प्रूफ, सब कुछ आप लोग करवा सकते हो। अपनी जो कैरेक्टर है टोमी वर्सिटी, उसकी ट्यूनिंग करा सकते हो यहाँ पर सारे ऑप्शन पे टैप कर करके इस तरीके से। अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन, और यहाँ पर जो है मेन्यू खुल जाएगा, मेन्यू के अंदर आप लोग आर्मर मैक्सिमम कर सकते हो, मिनिमम कर सकते हो, हेल्थ के अंदर भी मैक्सिमम मिनिमम का ऑप्शन दे दिया गया। ओह शिट, वर्स्टेड हो गया यार, मैंने गलती से मिनिमम पे क्लिक कर दिया। अभी हम लोग दोबारा करते हैं, ये हम लोगों ने मिनिमम कर दिया, आर्मर को भी मैक्सिमम कर दिया, और मनी को भी मैक्सिमम कर देंगे, और वांटेड लेवल तो मैक्सिमम करने की गलती भी मत करना। इसके बाद हमें यहाँ पर जो सब सेक्शन है प्लेयर से का, स्किन मिल जाएगा जिसमें हम लोग स्किन चेंज कर सकते हैं। टॉमी क्यूबन हो गया, क्यूबन का आउटफिट आ गया, टॉमी गोल्फ का आउटफिट आ गया, सिंपल आ गया, सूट प्लेन आ गया, टॉमी वर्कर का आउटफिट आ गया, एलेक्स क्रब की स्किन आ गई, कैम जोन्स की आ गई, कैम जोन्स की बैंक रॉबरी की आ गई, और ये वाली मैं नहीं लगाऊंगा, कॉर्नल कॉर्टेज की आ गई, डेक की आ गई, गोंजालेस की आ गई, हिलेरी की आ गई स्किन, लेंस की आ गई, लेंस की वो डैमेज स्किन आ गई जिसमें वो किडनैप हो जाता है, लेंस की कॉप स्किन, पेर्सी की स्किन आ गई, फिल की स्किन आ गई, सोनी फोरेली, रिकार्डो डियाज, ये स्किन मतलब आप लोग देख सकते हो। तीसरा सेक्शन जो है पैट से रिलेटेड है, पैट से आप लोग इसके कर सकते हो, नो प्रोस्टिट्यूट्स पे टिक मार सकते हो, वेपन फॉर ऑल, सारे पैट्स के पास जो है गन आ जाएंगी, और ये फनी मैग्नेट वाली चीज है। मेन्यू के अंदर आपको सारा डेंसिटी मल्टीप्लायर मिल जाएगा, जितने ज्यादा चाहो आप लोग पैट्स की डेंसिटी बढ़ा सकते हो, और यहाँ पर आप लोग रिमूव पैट कर सकते हो रेडियस के हिसाब से, मतलब एक सर्कल में सारे पैट रिमूव हो जाएंगे। एनिमेशन में होगा तो आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएगी, आपका कैरेक्टर डिफरेंट एनिमेशन अप्लाई करेगा, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सारी एनिमेशन अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन हमें देखने को मिलेगा वो है व्हीकल्स का, व्हीकल से आपको दिखेगा एग्रेसिव ड्राइवर सारे ठोकेंगे एक दूसरे को, ड्राइव ऑन वाटर हो गया, बाइक्स फ्लाई हो जाएंगी, बोट फ्लाई, कार फ्लाई, सारा कुछ ऑप्शन जो है हमें दे दिए गए हैं। और यहाँ पर मेन्यूज के अंदर इंटर नियरेस्ट व्हीकल, मतलब आसपास जो भी गाड़ी होगी आप उसमें बैठ सकते हो छलांग लगाकर। और यहाँ पर स्पॉन के अंदर होगा तो आप लोग कोई भी गाड़ी को जो है स्पॉन कर सकते हो, जैसे यहाँ पर हमारी जो है इडाहो कार आ गई है, और यहाँ पर मनाना आ गई है, और पेरन आ गई है, और यहाँ पर सेंटिनेंटल आ गई है, और वूडो आ चुकी है, विर्गो आ चुकी है, और हमारी जो स्पोर्ट्स कार होती है मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पर कौन सी है, ये हमारी कहाँ गई एक मिनट, या मैं सर्च भी कर सकता हूँ इन फर्नेस, ये आ गए हमारी स्पोर्ट्स कार। यहाँ पर हम लोग अपनी फेवरेट बाइक को शो सर्च करेंगे, पी सी जे को, जो कि यहाँ पर आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो हमारी बाइक स्पॉन हो रही है। और यहाँ पर आप लोग कार के जो है कलर्स भी चेंज कर सकते हो, ये मैंने ब्लैक कर दिया, वाइट कर दिया, पिंक कर दिया, ऐसे मैं चेंज कर सकता हूँ, रेड कलर कर सकता हूँ, ब्लू कर सकता हूँ, लाइट ब्लू कर सकता हूँ, ग्रीन कर सकता हूँ, और ट्रैफिक के हिसाब से ये वाला पिंक हो जाएगा, सारे ब्राउन कलर जो भी आप चाहो कर सकते हो, अपनी मर्जी से इसके अंदर आपको खुली छूट दे दी गई है। यहाँ पर ट्रैफिक ऑप्शन और सेट स्पीड आप लोग इस बाइक की जो है स्पीड चेंज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर स्पीड जो है इसकी 100 कर दूंगा, 100 करने के बाद, और अभी इसकी जो है हम लोग स्पीड देखते हैं, ये आप लोग देख सकते हो कुछ ज़्यादा हाई हो चुकी है, जो कि औकात से बाहर चली गई थी स्पीड। इसके अलावा हमें यहाँ पर वेपन ऑप्शन दे दिया गया है, जिसमें हम लोग सारे वेपन स्पॉन कर सकते हैं अपनी मर्जी से, M60 भी ला सकते हैं, और जो भी वेपन हम लोग चाहें, MP5 आ गए, Colt 45 आ गई, M4 आ गई, वेपन में दे दिया गया है। गेम के अंदर आएँ तो कुछ हमें एक्स्ट्रा दे दिया गया, डिसेबल चीट्स कर सकते हैं, रिप्लाई को डिसेबल कर सकते हैं, टाइम फ्रीज कर सकते हैं, हार्ड मोड लगा सकते हैं जिसमें हेल्थ बहुत जल्दी ख़त्म होगी, और सिस्टम से टाइम को सेंड कर सकते हैं, मतलब हमारी दुनिया में जो टाइम हो रहा है वही गेम में होगा। विजुअल्स में आ जाए तो हमें हाइड रडार का देखने को मिल जाएगा, और गेम स्कैन लाइंस का दिख जाएगा, ये आप लोग देख सकते हो, वाइड स्कैन लाइन आ गई, और लॉक वेदर कर सकते हो आप लोग। मेन्यू के अंदर आपको रडार की पोजीशन देखने को मिल जाएगी, रडार आप लोग हिला सकते हो यहाँ पर, और सब कुछ आप लोग कर सकते हो अपने हिसाब से, टाइम साइकिल आप लोग चेंज कर सकते हो,
मतलब आप लोग आसमान में यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैं आपको दिखाता हूँ, आसमान में आपको जो है आसमान का कलर जो है ब्लू देखने को मिल रहा है, पर अभी हम लोग इस ब्लू कलर को थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर ब्लू कलर पे आके मैं इसको येल्लो कर दूंगा तो येल्लो हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। मैं यहाँ पर वाई सिटी के हिसाब से अच्छा सा ब्लू कर देता हूँ जो मायामी पे बेस्ड है ये वाला। और यहाँ पर बाकी आप लोग टाइम भी सेट कर सकते हो, मेन्यू के अंदर मेन्यू की सेटिंग देखने को मिल जाएगी। नो बैकग्राउंड कर लो, लोकेशन, रैम यूसेज, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। हॉटकीज भी दिख जाएंगी, कमांड्स भी, और यहाँ पर हेल्थ वगैरह का सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो गैस ये वीडियो यहीं तक हम लोग रखते हैं। तो गैस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी दबाओ ऐसी गेमिंग वीडियोज़ को देखने के लिए, और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आप लोग कोई भी मेरी वीडियो जो है मिस नहीं करो। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।